हाँ भाई, वैकेंट टीचर के बाद देखिए 49,000 हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, उसके लिए कुछ बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं। उन सब के जवाब आपको आज इस वीडियो में दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग सभी आपके क्वेश्चन के जो जवाब मिल जाएंगे जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सबको दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप यहाँ से अपने सभी जो है क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन आप करेंगे उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, हम आपको बता देंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 49 जो आपका 1000 जो वैकेंसी है हमारी, जो इसका जो रिजल्ट है वो जल्द हो सकता है जारी, ठीक है। अगर हम अमर उजाला की न्यूज़ के अनुसार बात करें तो इसका तो लास्ट फरवरी में ही रिजल्ट जो है जारी होना था, ठीक है, लेकिन आज आपकी हो गई है 24 हो गई, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया। तो ये कंफर्म है कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी करेंगे ये, तो हो सकता है कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में जो आपका ये रिजल्ट ये जारी कर दे, ठीक है। तो मार्च तक आपको रुकना है, मार्च के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जो है आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका रिजल्ट इसलिए जारी होगा क्योंकि जो इनके अध्यक्ष हैं इन्होंने ये बोला है कि हम इस वैकेंसी को मात्र 5 या 6 महीने के अंदर जो है पूरी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है थोड़ा स्पीडली होगा, तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट में फिर वही सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर आपको कोई आपके नंबर नहीं दिखाए जाएंगे। अगर आपका DVPST के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो आप सिलेक्ट हैं, और अगर आपका DVPST के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता तो आप सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। फिर से इस बार क्या है, इस बार कट ऑफ कम होने की उम्मीद। देखिए आज हम किसी भी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ के लिए काफ़ी मतलब उल्टी सीधी बातें होने लगती हैं, ठीक है। सब ने अपने अपनी तरह से कट ऑफ बना रखे हैं, तो कट ऑफ कोई बातें नहीं होने वाली यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस बार कट ऑफ जो है कम होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आपको पिछली बार की तुलना में इस बार जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपके कम नंबर भी हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ सब लोग ये कमेंट मत करिएगा कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या मेरा हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता आपका इस नंबर पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ कम होने की उम्मीद है, पर कितने होने की उम्मीद है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर कट ऑफ कम होती है और अगर आपके नंबर आ रहे हैं ठीक ठाक, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन से अधिक फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, ये बात मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार जो आपको अधिक फ़ायदा नहीं होने वाला, मात्र 6 से 7 नंबर का ही फ़ायदा होने वाला है इस बार, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह 15 से 16 नंबर या 30 तक नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन पिछली बार क्यों अधिक किया गया था, क्योंकि पिछली बार पूरा 1 महीने का जो गैप मिला था आपको, ठीक है, लेकिन इस बार जो है किसी तरह का कोई गैप नहीं है। आपका बात समझ में आ रही है, आपका 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, तो दोनों ही दिन एग्ज़ाम में जो आपका जो 27 और 28 को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो यार ये जो 28 के जो लोग हैं उनको थोड़ा सी घाटा हो सकता है, लेकिन 27 वालों को जो थोड़ा सी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो है पहले हुआ है और 28 वालों का जो है बाद में हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 27 वाले में जो फर्स्ट शिफ्ट का है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और 27 में सेकंड शिफ्ट में उनको थोड़ा सी कम फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो है 28 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है उनको थोड़ा फ़ायदा हो दिख सकता है, लेकिन 28 का जो सेकंड शिफ्ट वाले उनको कुछ खास फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको फिर एक बात बता दूँ कि कुछ ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा इस बार नहीं मिलने वाला है, मात्र 6 से 7 नंबर का ही मिलेगा। ये मत समझ के रखिएगा कि हमें फिर से 40 से 50 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भाई करेंगे, ये मानते हैं, एक दिन का इन्होंने गैप दिया है, समय दिया है, लेकिन इसमें इतना नंबर आपको ये नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी बच्चे को समय नहीं मिला है, सेम प्रोसेस है, एक दिन बाद दोनों का पेपर है, तो इतने में ये कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं रिवाइज कर सकते, ना ही पढ़ सकते। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 6 से 7 नंबर के ऊपर नीचे देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये उम्मीद मत लगा के बैठिएगा कि आपको बहुत सारे नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बढ़ सकते हैं 27 वाले के, 28 वालों के कुछ खास नंबर बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मार्च में हो सकते हैं प्रारंभ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके मार्च में प्रारंभ हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या रखना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो आप अपनी हाई स्कूल और आपकी इंटरमीडिएट जो है आपकी, इन दोनों की मार्कशीट आपको रखनी है, तो इस चीज़ को आप रख लीजिएगा बिल्कुल इसके कॉपी ओपी करा कर। और दूसरी बात क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निवास और जाति प्रमाण पत्र जो है आपका, ठीक है,
अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको भाई, अगर आप अभी आपके पास समय है तो आप इसको न्यू बना लीजिए, ठीक है। न्यू बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर आपका काफ़ी पुराना है या 2018 के बाद का है तो या उससे पहले का है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2018 के यानी 16 का है या आपके पास, या अगर 17 का है या फिर आपका 15 का है तो आपको थोड़ी समस्या देखने को हो सकती है, फिर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप लोग आपका जो निवास प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों ही यूनिक बनवा लीजिए 2019 का। अभी आपके पास समय है, 10 से 15 दिन के अंदर ये मिल जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट। तो आप अपने दोनों ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे उसके भी ले जाएंगे और जो आप न्यू बना रहे हैं वो भी ले जाएंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर इनके डेट्स के बाद का है तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे क्योंकि जो पिछली वैकेंसी में हमें सुनने को मिला कि उनके जो डॉक्यूमेंट, उनको समय दिया गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट 2 से 3 दिन के अंदर बनवा लीजिए तो हम आपका जो कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आपको कैटेगरी में लेना है तो आप लोग ये काम जरूर करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके काफ़ी पुराने हैं तो इनको आप जरूर बनवा लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, फिजिकल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित है, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका फिजिकल है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित हो सकता है। तो आप लोग अगर आपके अच्छे नंबर है तो रनिंग करते रहिए, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है थोड़ा सी पेशेंस रख लीजिए, हो सकता है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे जाए तो आपका भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है या कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप पास ही हो, ठीक है। इसके लिए आपको रात दिन अपने ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जेल वार्डर है और आपको यूपी में और भी वैकेंसी पुलिस की देखने की मिलेगी तो वहाँ पर भी आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपको लगभग जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपको, जो आप पेमेंट करके पूछ रहे थे, आपके सभी जो आपको आंसर मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।